मेरे स्पेशल गार्लिकी पीनट बटर वेज नूडल्स जो है हम सबके फेवरेट, सर्व कराए हैं टोस्टेड सेसमी सीड्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और सिखाती हूँ आज आपको मैं अपने घर में नूडल्स कैसे बनाती हूँ। इसमें डालती हूँ बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स, तो मैंने कुछ प्रेपरेशन करी है यहाँ पे। तो थिनली स्लाइस करे हैं अपने अनियन की सेलरी, बहुत अच्छा क्रंच आता है, ब्रोकली, रेड बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च, मिक्स वेजिटेबल्स में कैरेट्स, बीन्स, कॉर्न और पीज है, बहुत सारा गार्लिक, ये अराउंड 5 to 6 क्लोव्स ऑफ चॉप कर दिए मैं, जूलियंस ऑफ अदरक, नूडल्स अपनी पसंद के थिन या थिक नूडल्स, कोई भी न्यूट्रल ऑयल, ये चिली इन ऑयल, सेसमी ऑयल, पेपर, विनेगर, टमाटो केचप, हॉट चिली सॉस, सोया सॉस, मेरे पास अभी लाइट वाला सोया सॉस है, पर अगर आपके पास डार्क और लाइट दोनों है तो थोड़ा थोड़ा यूज करिए। इसमें डालूंगी पीनट बटर, मैं यूज कर रही हूँ ये क्रंची वाला, बट अगर आपके पास कोई भी पीनट बटर है उसको आप इसमें जरूर यूज करिए। एक पॉट में पानी उबालने रखा है, अब हम करेंगे अपने सॉस की प्रेपरेशन। 1 teaspoon ऑफ व्हाइट विनेगर, हॉट चिली सॉस, अगर आपके पास ग्रीन सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, सोया सॉस अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए प्लीज, केचप, पेपर, तो है चिली इन ऑयल है ये, एक्चुअली मैंने चाइनीज स्टोर से खरीदा था। 1 teaspoon ऑफ पीनट बटर भी डालूंगी, मिक्स। हमारे सारे केचप्स और जो मैंने चिली सॉस है इसमें ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है। पानी हो गया बहुत ज्यादा गर्म, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें मैं छोड़ूंगी नूडल्स। फोक की हेल्प से अपने नूडल्स टैंगल्स उसके खोल सकते हैं वॉक, और अब मैंने उसमें डाला है थोड़ा ऑयल, कुकिंग ऑयल को ऐसे स्वर्ल अराउंड करेंगे ताकि आपका वॉक कोटिंग कर दे, जो प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट होगा। तो मैं डालूंगी इसमें अपने अदरक, गार्लिक, अनियन, सेलरी, ब्रोकली और बाकी की अपनी सारी वेजीज, टॉस करिए वेजिटेबल्स को, इसे स्टर फ्राई करनी है वेजिटेबल्स को। अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो उसकी जगह आप जो मिक्सचर बनाएंगे उसमें आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। सॉसेस का मिक्सचर बनाया था हम, इस स्टेज पे डाल देंगे। नूडल्स ऐड करूंगी, इस पॉइंट पे आपको कोई सीजनिंग डालनी है तो आप अभी डाल सकते हैं। तो मैंने तिल का तेल या सेसमी ऑयल बोलते हैं, ये अच्छी क्वालिटी का सेसमी ऑयल यूज करिए, हल्का सा ऑयल जस्ट बिफोर सर्विंग उसको डालूंगी। टर्न ऑफ द गैस और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। मैं लगाऊंगी ये छोटा सा ग्रीन कोरिएंडर, स्प्रिंकल करूंगी थोड़े से व्हाइट सेसमी सीड। तैयार मेरे स्पेशल वेज नूडल्स जो गार्निश करे हैं कुछ तिल, नटीनेस और क्रंचीनेस आती है। तो प्लीज लीव इन योर फीडबैक और कमेंट, और आपको कैसे लगी है कॉम्बिनेशन ऑफ पीनट बटर नूडल्स में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डून गर्ल फॉर सम मोर एक्साइटिंग एंड अपकमिंग वीडियोज। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।